सो गाइस, अब मैं आपको शो करती हूँ कारागिरी की एक ब्यूटीफुल सी साड़ी जो मैंने मिंत्रा से परचेज की है। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस की जिसके फ्रेम में रहकर ही आप रिटर्न या एक्सचेंज के लिए एलिजिबल होंगे। जरी वर्क वाली साड़ी का वॉश केयर हम कैसे करें ये हम देखते हैं। इसमें हम ढेर सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन से कलर्स और अवेलेबल थे, ये कितने डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे मिला, इसकी वॉशिंग केयर क्या होगी, एंड मेन फोकस हमारा रहेगा रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द शॉपिंग लेडी। दिस इज प्रियंका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल वंस अगेन। सो टूडे वी आर गोइंग टू रिव्यू अनदर प्रोडक्ट। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कारागिरी। सो लेट्स सी व्हाट इज इन टूडेज वीडियो। सो गाइज, आज हम रिव्यू करेंगे कारागिरी की एक साड़ी जो मैंने रिसेंटली परचेज किया हुआ है। ये आपको मिंत्रा पे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ कारागिरी.com पे भी अवेलेबल है। दोनों ही मीडियम अपने अपने लिए कुछ प्रोज एंड कॉन्स लेकर आते हैं। दोनों के बारे में एक हम आज कंपेयरिंग वीडियो भी करेंगे कि जिसमें हम ये देखेंगे कि मिंत्रा से करने पे क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं और कारागिरी.com से करने पे उसके रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस या वेरिएशंस आते हैं। तो गाइस, ये है हमारा आज का प्रोडक्ट ऑफ डिस्कशन, कारागिरी ब्रांड। ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ये बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग में मिली जो कि मुझे बहुत ही एक एक्स्ट्रा इसमें आइसिंग ऑन द केक वाला पार्ट लगा कि मैंने और भी साड़ी परचेज किए हैं सुता के और जो मैंने रिव्यू किया हुआ है आपके साथ में, बट ये पैकेजिंग आई मस्ट से कि बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग है। मैं अलग से साड़ी के लिए, सभी साड़ियों के लिए अलग से ये पैकेट्स लेकर उनको वैसे रखने के लिए यूज करती हूँ। आप सब भी यूज करते होंगे, बट इसमें पहले से ही पैकेजिंग बहुत अच्छी है। जिप क्लोजर ये मिल जा रहा है आपको, तो मुझे अलग से इसमें कोई अलग पैकेजिंग साड़ी पैकेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरी की साड़ी है, ये पीछे आपको बारकोड भी मिल जा रहा है पैकेट पे, पूरा डिटेल्स भी है इस पे। और पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसका वेबसाइट और मिंत्रा के परचेज में क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसके बाद हम इस साड़ी को ओपन करके आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लाउज पीस है किस तरह का। एंड आई मस्ट से कि साड़ी बहुत सच में बहुत अच्छी है। एंड सो स्टार्ट करते हैं बाकी की चीजें। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करें मिंत्रा का परचेज जो कि मैंने किया हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको ओरिजिनल प्राइसेस की 4399 है, 69% के ऑफ पे 1373 के प्राइस पे हमें ये रिसीव हुआ था। एंड कलर्स इसमें मैं आपको अगर बोलूं तो ढेर सारे कलर ऑप्शन सेम डिजाइन पे, सेम पैटर्न पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये परचेज किया हुआ है, ये पिंक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। इन द सेम पैटर्न आपको मरून, ब्लू एंड मस्टर्ड कलर में, फिर एक पर्पल कलर, ढेर सारे कलर से 7-8 कलर है जिसके मैं स्क्रीनशॉट भी आपको साथ में डिस्प्ले कर दे रही हूँ। एंड एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा कि प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा था मिंत्रा पे, एंड जब हमें रिसीव हुआ तो कैसा था। जैसा कि इस पर डिस्क्राइब किया हुआ था, सिल्क की साड़ी है जरी डिटेल्स के साथ में, एग्जैक्टली वैसा ही मुझे रिसीव हुआ। नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द साड़ी। कलर ब्रीडिंग के लिए मैं कुछ नहीं अभी कह सकती हूँ क्योंकि ये जस्ट मेरा एक दो दिन पहले का ही परचेज है, तो आफ्टर वॉशिंग मैं बता पाऊंगी कि कलर ब्लीडिंग इसमें क्या है, या हेवी कलर ब्लीडिंग है या एकदम नहीं है, जो भी चीजें हैं। बट अभी की क्वालिटी को अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, डिटेल्स बहुत अच्छे हैं, जरी का जो वर्क इसमें किया हुआ है बहुत सुंदर है, वो मैं अभी कमिंग टाइम में आपको शो भी कर दूंगी। सो गाइस, इनकेस अगर इस प्रोडक्ट में किसी तरह की हेवी कलर ब्लीडिंग होती है कि ये साड़ी पहनने लायक नहीं रहती है इन फ्यूचर, तो मैं सेम वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जो मैं बीच बीच में आप लोगों को प्रोवाइड करते रहती हूँ वो आपको मिल सके। सो गाइस, अगर हम बात करें साड़ी की लेंथ की, तो 5.5 मीटर का इसमें पूरी साड़ी का लेंथ मिल जा रहा है आपको। साथ ही साथ इसमें अटैच ब्लाउज पीस भी है जो कि कॉन्ट्रास्ट कलर में है, पिंक कलर की साड़ी है, इसके साथ में आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर और ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस मिल जा रहा है जो कि 80 सेंटीमीटर का है। अगर हम बात करें कि रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी मिंत्रा पे क्या अवेलेबल है, तो वो ये है कि 7 डेज का आपको रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी मिल जा रहा है। आप इनकेस अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है, कलर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, साड़ी की क्वालिटी को लेकर किसी तरह का मन में कोई डाउट है, तो विद इन 7 डेज आप इसे आराम से रिटर्न या एक्सचेंज जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बात करें अगर हम वॉश केयर की, एज पर द डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय मिंत्रा, इसमें ये लिखा हुआ है कि साड़ी को आप ड्राई क्लीन के लिए दीजिए। और जरी की साड़ी है तो थोड़ा केयरफुल रहना भी सही होता है,
बट इन केस अगर आप चाहें तो हैंड वॉश कर सकते हैं, डेलिकेट मोड पे मशीन पे भी कर सकते हैं, अब तक मैंने किया हुआ नहीं है। इन केस अगर मैं इसे मशीन वॉश करती हूँ और कलर डाउन होता है तो वो सारी चीजें मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये सारी बातें तो हो गई कि मिंत्रा से परचेज करने पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, रिटर्न एंड एक्सचेंज क्या है। तो सिंपल सिंपल सा चीज है, 7 डेज का रिटर्न एक्सचेंज मिल जा रहा है, कलर्स अवेलेबल है, स्टाइल अगर पसंद नहीं आया कलर का या कलर आपको सूट नहीं कर रहा है आपके कॉम्प्लेक्शन पे तो आप उसे चेंज कर सकते हो। चीजें थोड़ी सॉर्टेड है, इसी वजह से मैं मिंत्रा से जनरली परचेज करती हूँ और प्रेफर भी करती हूँ क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है रिटर्न करना, एक्सचेंज करना एंड रिफंड्स भी आसानी से मिल जाते हैं हमें। अब हम बात करते हैं कि कारागिरी.com से अगर आप परचेज करते हो सेम साड़ी या कोई और सेम डिजाइन पे या किसी भी तरह का कोई और प्रोडक्ट, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, रिटर्न एंड एक्सचेंज क्या होता है, किस किस बेसिस पे ये रिटर्न मना करते हैं, ढेर सारी चीजें हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें कारागिरी.com की तो उसमें आपको 2 डेज का रिटर्न एंड 10 डेज का एक्सचेंज पॉलिसी मिलेगा। इनकेस अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगता है तो आप विदिन 48 आवर्स आपको कंप्लेंट रेज करनी होगी कि मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है या फिर एक्सचेंज करना है, जो भी चीजें हैं उसके लिए विद इन 10 डेज या फिर विद इन 48 आवर्स इन केस ऑफ रिटर्न। ये आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बाय परचेजिंग फ्रॉम मिंत्रा और फ्रॉम कारागिरी। रिटर्न के लिए इनके पास में एक ही मीडियम है रेजर पे, इसके अलावा किसी भी तरह का रिटर्न वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो भी बैलेंस आपको रिफंड होगा वो। सपोज आपने रिटर्न रेज कर दी 48 आवर्स विद इन 48 आवर्स कि मुझे ये प्रोडक्ट सही नहीं लगा है ऑन वॉट एवर बेसिस और वॉट एवर ग्राउंड, और इन केस अगर आप शिपमेंट करने में फेल होते हैं तो उस केस में भी आपको किसी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा। एज पर गिवन इन द कारागिरी.com FAQ सेक्शन में कि जब भी आप रिटर्न या रिफंड जो भी कुछ के लिए रेज करते हो रिक्वेस्ट, तो कुरियर गाय को या फिर जिस भी मीडियम से आप वापस कर रहे हो प्रोडक्ट को तो एक रिसीट जरूर रख लें, आइदर फिजिकल और डिजिटल, ताकि एक इन केस ऑफ मिसप्लेसमेंट उनके पास में प्रूफ रहे आपके पास में कि मैंने ये प्रोडक्ट शिप किया था। एंड एक बार अगर रिटर्न उनके शिपमेंट तक पहुंच जाता है, वेयर हाउस तक पहुंच जाता है, उसके बाद विद इन 4 to 7 डेज वो आपको रिफंड कर देंगे। सो अब हम देखते हैं कि किन किन बेसिस पे ये रिटर्न आपका डिसअप्रूव हो सकता है या रिटर्न के लिए ये मना कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वन बाय वन कोट कर दे रही हूँ कि इन बेसिस पे अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसमें ये रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहली चीज ये है कि अगर किसी तरह का फिजिकल डैमेज हुआ है साड़ी में तो आपको किसी तरह का रिटर्न या रिफंड नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग इज अगर आपने साड़ी फॉल एंड एजिंग के साथ में ऑर्डर की हुई है तो उसमें भी आपको किसी तरह का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अगर आपने किसी तरह का कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑर्डर किया हुआ है या रिसीव किया है, जैसे कि पिको या फिर इन केस ऑफ लहंगा आपने स्टिचिंग करवाने के बाद मेड टू मेजर इस टाइप से साड़ी या कोई और प्रोडक्ट आपने रिसीव किया हुआ है, तो उस केस में भी आप रिटर्न पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपने रिटर्न रिक्वेस्ट 48 आवर्स ऑफ द रिसीविंग द शिपमेंट उसके बाद आपने रेज की है तो उस केस में भी आपको किसी भी तरह के रिटर्न पॉलिसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। इफ द प्रोडक्ट इज मेड टू ऑर्डर, अगर ये आपके लिए स्पेशली कस्टमाइज किया हुआ है या कुछ स्पेसिफिक इसमें चेंजेस करके आपके लिए सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं आपके बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी आपको किसी तरह का रिटर्न या एक्सचेंज नहीं मिलेगा। सो ये सारी बातें थी रिटर्न के लिए। कुछ चीजें हैं जो एक्सचेंज पॉलिसी में आती हैं जो कि 10 डेज के लिए होता है एक्सचेंज। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है, आपको आप उसके बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो उसके लिए विद इन 10 डेज आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी होगी कि मुझे कोई और प्रोडक्ट चाहिए, और फिर आप कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको क्रेडिट नोट के थ्रू मिल जाएगा। सपोज आपने कोई 2000 रुपीज या समथिंग इस लाइक पहले परचेज किया हुआ था, उसके बाद आपने उसे हायर प्राइस भी हो सकता है, उसके बाद उसे लोअर का भी प्राइस हो सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं, तो उस केस में आपको एक क्रेडिट नोट दिया जाएगा जो कि बाकी के बैलेंस को एडजस्ट करेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज वाले प्रोडक्ट पे आपको किसी भी तरह का एडिशनल डिस्काउंट उस वक्त जो चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग बाकी प्रोडक्ट पे मिल जाएंगे, बट एक्सचेंज वाले प्रोडक्ट पे आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज के लिए दिया, वो प्रोडक्ट रिसीव भी हो गया कि या दिस इज एलिजिबल फॉर एक्सचेंज, आपने प्रोडक्ट दूसरा मंगवा भी लिया, अब अगर आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट को आप दोबारा से रिटर्न या एक्सचेंज कर सको तो वो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम कारागिरी.com। मिंत्रा में ये पॉसिबल होगा बट इस पे नहीं है। इन केस आपने कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, एक्सचेंज कर दिया और दोबारा से कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, एक्सचेंज प्रोडक्ट मंगवाया हुआ है,
उस एक्सचेंज प्रोडक्ट को आप ना तो रिटर्न कर सकते हो ना ही आप उसे दोबारा से एक्सचेंज कर सकते हो। इन दैट केस आपको वो प्रोडक्ट रखना ही रखना है। तो ये चीज थी एक्सचेंज पॉलिसी की, एंड रिटर्न पॉलिसी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 2 डेज का रिटर्न मिल रहा है, 10 डेज का आपको एक्सचेंज टाइम पीरियड मिल रहा है इन केस ऑफ आप शॉपिंग करते हो kayagiri.com से। हो सकता है उसमें आपको थोड़ी वैरायटीज ज्यादा मिल जाए, बट थोड़ा सा रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी के लिए केयरफुल रहिएगा। मैं मिंत्रा प्रेफर करती हूँ हमेशा से ही, और मैं आगे भी अगर जैसा कि प्रोडक्ट मुझे अच्छा रिसीव हुआ है, मैं इन फ्यूचर और भी प्रोडक्ट इसके यूज करूंगी डेफिनेटली, बट मैं मिंत्रा के साथ ही जाऊंगी। kayagiri.com वैसे ही अच्छा है, प्रोडक्ट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, मे बी कुछ और कलर ऑप्शंस भी मिल जाए, लेकिन रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी थोड़ी सी ट्रिकी है, तो दैट्स व्हाई आई विल स्टिक टू मिंत्रा। सो गाइस, ये सारी चीजें तो हो गई मिंत्रा एंड kayagiri.com से एक्सचेंज करने पे क्या चीजें आपको मिलती हैं, क्या चीजें नहीं मिलती हैं, एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या थे, रिटर्न एंड एक्सचेंज क्या क्या था, कलर ऑप्शंस क्या थे, वो सारा भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड फाइनली अभी लास्ट चीज है कि हम प्रोडक्ट देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरह का था। सो गाइस, ये है हमारा आज का मेन प्रोडक्ट ऑफ डिस्कशन। फाइनली अब हम देखते हैं कि साड़ी कैसी है, एंड फुल लेंथ आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें ब्लाउज पीस कैसा है, एंड ये फैब्रिक कैसा है, जरी की डिटेल्स कैसी है, सारे आपके डाउट्स जो भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, हेयर इट इज, दिस ब्यूटिफुल रानी पिंक विथ कॉन्ट्रास्ट ग्रीन बॉर्डर। एंड आई मस्ट से, जितनी सुंदर इसकी पैकेजिंग है उतना ही सुंदर, उतना ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक भी है, सिल्क ब्लेंडेड फैब्रिक है, साथ में जरी के डिटेल्स किए हुए हैं। सो गाइस, इसमें आप देखोगे, ध्यान दोगे तो इसमें आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। जैसे ये बॉर्डर है आपका, अपर बॉर्डर जो है वो थोड़ा उसका थोड़ा इसकी विड्थ कम है, और लोअर बॉर्डर जो है उसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है। तो ये एक अलग तरीके का पैटर्न है, बहुत सारी साड़ियों में आपने देखा भी होगा, मैंने जितने परचेज किए उसमें से फर्स्ट टाइम ऐसा है मेरे साथ में कि ये बॉर्डर जो है दोनों का डिफरेंट है। तो ये थोड़ा नया लगा मुझे इसमें, ये बॉर्डर ये इस तरह से आपको इसका पूरा लुक आएगा कैरी करने पे। एंड इन फ्यूचर मैं अगर कोई और वीडियो बनाती हूँ तो इसे ड्रेप करके भी इस पे वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको ओवरऑल लुक मिल सके कि ये साड़ी पहनने पे आफ्टर ड्रेपिंग कैसी लगती है। ये आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा जरी का डिटेल किया हुआ है, एंड वर्क फिनिशिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सुंदर फिनिशिंग है, कहीं से किसी भी तरह का लूज एंड या जरी थोड़ी हैम्पर्ड होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये क्लोजर लुक आप ले सकते हो, डिटेलिंग बहुत सुंदर की हुई है, महीन एकदम वर्क है इस पे, और शाइनिंग बहुत अच्छी है कपड़े भी, चाहे आप जरी की बात करें या फिर ओवरऑल फैब्रिक की बात करें, दोनों ही बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पैकेजिंग से लेकर साड़ी की क्वालिटी तक सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा था कि शायद मिंत्रा पे कारागिरी का ब्रांड मुझे मिलेगा या नहीं, या डायरेक्टली मुझे वेबसाइट से ही परचेज करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट वाले पे मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है मोस्टली रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए, क्योंकि थोड़े ट्रिकी होते हैं उसके रिटर्न एंड एक्सचेंज, बट मिंत्रा पे मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया तो मैं फुली सेटिस्फाइड थी। कि इनकेस अगर प्रोडक्ट मुझे सही नहीं लगता है या प्रोडक्ट हैम्पर्ड मिलता है तो विद इन 7 डेज आराम से मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही है। एंड सॉलिड पैटर्न है पूरी साड़ी का, 5.5 मीटर का लेंथ आपको पूरे साड़ी का मिल जा रहा है। सेम ये बॉर्डर है, बस इसमें फॉल वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, आप इसे अलग से लगवा सकते हो, फॉल पिको कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये पूरी साड़ी हो गई, और ये पोर्शन जो है आपको कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज मिल जा रहा है, ग्रीन कलर का बॉर्डर भी आपको मिल गया, और एंड ग्रीन ये आपको 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस मिल जा रहा है। लेंथ विड्थ अच्छी है, तो आप इसे आराम से क्वार्टर स्लीव या हाफ स्लीव या स्लीवलेस केप स्लीव जिस भी तरह से करना चाहते हो आराम से स्टिच करा सकते हो अकॉर्डिंगली। ये भी सिल्क का फैब्रिक आपको मिल जा रहा है, एंड इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हो, थोड़े थोड़े ऐसे मोटिव्स बने हुए हैं पूरी साड़ी पूरे ब्लाउज पे। इवन मैं ये कहूँ कि इस तरह का अगर कुछ मिले पूरे साड़ी पे तो वो भी एक बहुत अच्छा सा लुक देगा। आई विल चेक आउट फर्दर कि इसमें और कोई इस टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो बहुत सुंदर सा कलर है,
बहुत अलग सा लुक आएगा। ये देखिए, टू हैव ए क्लोजर लुक, कितना सुंदर ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इसको। ये आपको पिंक, रानी पिंक या चेरी इस टाइप से कर सकते हो। एकदम ब्राइट वाला पिंक नहीं है, जो थोड़ा भड़कीला सा लगता है वैसा कुछ कलर नहीं है, बहुत ही सोबर है। आप इसे आराम से शादी वगैरह में, या फिर अभी रक्षाबंधन आने वाला है आप उसमें पहन सकते हो, बहुत सारे फेस्टिवल लाइन से आने वाले हैं, किसी में भी आप पहन के जाओगे बहुत सुंदर लगेगा। एंड एक्सेसरीज आप अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेटली ले लीजिएगा। एंड एक और अच्छी बात यह कि ये साड़ी जो है इसमें बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, बस जरी के डिटेल्स हैं साइड में, तो आप इसके साथ में कुछ हैवी ज्वेलरी वगैरह कैरी करना चाहो तो वो भी बहुत निखर कर आएगा। मुझे एक एडिशनल बात ये लगी क्योंकि पैटर्न एकदम सॉलिड है, साड़ी पे कुछ भी और नहीं है वर्क, ब्लाउज हैवी है इसका, एंड बस ये बॉर्डर आपको मिल जाएगा। लोअर बॉर्डर बॉर्डर थोड़ा चौड़ा है एंड अपर बॉर्डर थोड़ा सा विड्थ उसकी कम है। तो गाइज ये ओवरऑल साड़ी थी, बहुत सुंदर, फुली सेटिस्फाइड, नो कंप्लेंट्स। तो मैं रिटर्न एक्सचेंज कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। वॉश केयर वगैरह मैंने आपको बताया है, प्रेफर करिएगा कि ड्राई क्लीन के लिए आप दें अगर ओकेजनली कैरी करती है तो, अदरवाइज आप डेलिकेट मोड पे मशीन वॉश भी कर सकते हैं। सो गाइज ये प्राइस टैग लगा हुआ है, 4399 का प्राइस है इस पे, ये आप देख सकते हो। इसमें और भी कलर्स वगैरह जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीजें लगी हुई है। ऑथेंटिक है प्रोडक्ट, किसी भी तरह का कुछ इसमें ये नहीं है कि प्रोडक्ट फेक है। तो ये आप देख सकते हो ब्रांडेड है, जैसा आप कारागिरी.com से भी लेते तब भी ये सेम आपको आई गेस कि सेम प्रोडक्ट सेम टाइप के साथ में मिलता। एंड तो इसके साथ में आपको जिप क्लोजर बैग भी मिल जा रहा है जो कि आप स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हो, अलग से आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। एंड इन केस अगर आप अपनी सिस्टर के लिए रक्षाबंधन पे गिफ्ट करना चाह रहे हैं या किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए, आप इसे एज ए गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। पैकेजिंग बहुत सुंदर से की हुई है, बहुत लैविश पैकेजिंग है एंड प्रोडक्ट भी बहुत सुंदर है, दोनों चीजें बहुत अच्छी है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज एंड मैं आपको अपकमिंग वीडियोज में ड्रेप करके भी दिखाऊंगी कि ये साड़ी मुझ पर लग कैसी रही है एंड एक ओवरऑल लुक कैसा आता है इसका। सो फॉर नाउ दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज विच विल बी अपलोडिंग सून एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू माई प्रीवियस वीडियोज। कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड स्टे ट्यून। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की वीडियोस होती हैं। एंड इन केस अगर आपका कोई और पर्सनल सजेशन एंड रिक्वेस्ट है तो वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एंड ये साड़ी आपको कैसी लगी उसका भी बताइएगा कि वो आपको पसंद आई नहीं आई, इसमें कलर ऑप्शंस अगर आप लेना चाहो तो वो कौन से लोगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।